हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप, लेकर आया हूं आपके लिए सम कूलर। फ्रेंड्स तो चलिए बड़ो शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहां पर आपको मेज पर सामान दिख रहे हैं वो सभी सामान यहां पर आपको एलईडी से ही रिलेटेड है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, एक में बोला गया था कि आप मेरे को चार्जर दिखाइए, आप कौन सा चार्जर यूज़ कर सकते हैं करते हैं ठीक है। साथ ही साथ मेरे पास ये भी आया था कि हम अडेप्टर का प्लस माइनस पॉइंट कैसे पता करें, मतलब एसी और डीसी कनेक्शन कैसे करें। तो उसके बारे में ये जो एसी डीसी वाला जो कमेंट था ये काफ़ी पुराना हो गया, मतलब टाइम हो गया था इसके लिए। सो आई एम सो सॉरी कि मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं दे पाया उसके लिए, आई एम रियली रियली सॉरी। बट अब मेरे को टाइम मिल चुका है तो अब मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है ये प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो, तो यहाँ पर आपको वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि आपको एसी के कनेक्शन किधर से करने हैं और डीसी के कनेक्शन किधर से करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो चार्जर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एमआई का चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर पर वर्क करता है वो। और जो चार्जिंग जो लेता है ये चार जो एसी जो होती है वो 220 240, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, वो सारी आपको आगे पता पड़ जाएंगी, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने ये ले लिया है ये अडेप्टर है, ये एक तरह का चार्जर होता है, यानी कि इसमें 5 वोल्ट का अगर जनरेटर डायोड लगा देते हैं तो ये 5 वोल्ट आउटपुट देता है, यानी कि मोबाइल चार्ज कर देता है। और अगर हम इसमें ही जनरेटर डायोड 12 वोल्ट का लगा दें तो फिर ये क्या करता है, आपको 12 वोल्ट आउटपुट दे देता है, यानी कि ये एक अडेप्टर बन जाता है एलईडी स्ट्रिप का, जो मार्केट से 100 रुपये का आता है। और चार्जर की भी वैल्यू इतनी है, 100 रुपये के आसपास में आता है। लेकिन अगर आपके कोई दुकान है, शॉप है, यानी कि एक बल्क जो शॉप रहती है, तो अगर आप वो हैं तो आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, 15 रुपये 4 रुपये, मतलब कुछ पड़ जाता है ऐसा हिसाब, क्योंकि आप बल्क में लेते हैं 1000 3000 5000 पीस लेते हैं, तो उसमें आपको पता ही है कितना पड़ जाता है ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा एमआई का चार्जर, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर आप किसी वोल्टेज को देख सकते हैं, और दोनों यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, एसी वाली भी और डीसी वाली भी। तो यहाँ पर जो डीसी वाली मैं आपको बता देता हूँ, 5 वोल्ट और जो एम्पियर है वो 2 एम्पियर का है ठीक है, 240 वोल्ट जो ये लेता है और जो मैटर होता है इसका वो क्लियर है। लेकिन आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स। तो अब मैं यहाँ पर आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दी है पुरानी वाली जो एलईडी वाली है, तो उसमें मैं आपको बताऊं तो कम से कम 100 एलईडी मैंने यूज़ की है। तो उसमें मैं क्या करता हूं, अगर आप 100 एलईडी जो देखिए ये एक ही रंग की है, यानी कि ये ग्रीन एलईडी है, सिर्फ ग्रीन में ग्रीन है, इसलिए क्या है वाइट में ग्रीन है ये, है ना। तो इस वजह से दिक्कत क्या है कि फ्रेंड्स सिर्फ ये एक ही रंग किया, अगर मैं इसी एलईडी की जगह पर आरजीबी यूज़ करता जिसमें 3 कलर होते हैं, वो लगाते ही तुरंत फ्यूज़ हो जाता और एक एलईडी मेरा फ्यूज़ भी हो गया था, एक नहीं हुआ था 85 फ्यूज़ हो चुके हैं मेरे अब तक। तो पहले तो मैं ये बता दूं ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा अंतर लगा कर रखना पड़ेगा कि अगर आप 10 एलईडी यूज़ करते हैं आरजीबी जिसमें 3 कलर होते हैं तो आपकी एलईडी फ्यूज़ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं सिर्फ एक सिंगल एलईडी अगर आरजीबी तो वो भैया फ्यूज़ हो जाएगी। अगर एक कलर की यूज़ करते हैं सिर्फ ग्रीन में ग्रीन, रेड में रेड और ब्लू में ब्लू, वाइट में वाइट, तो वो फ्यूज़ नहीं होगी, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप आरजीबी यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक में चार्जर से चलाऊँ तो भैया वो चल तो जाएगा लेकिन वो तुरंत फ्यूज़ हो जाएगा। उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको या तो आप एलईडी का बोल्ट बढ़ाओ या फिर एलईडी ज़्यादा वोल्टेज के लिए कराओ, यानी कि 5 वोल्टेज के लिए कराओ, उससे ऊपर की लिए कराओ। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भैया फिर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जो कि एक 1K का हो जाता है और एक 100K का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी, अगर आपको जो पसंद है वो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, यहाँ पर मैंने एलईडीज के बारे में भी बता दिया कि आपको इस तरीके के डिफरेंस एलईडीज में रखने पड़ते हैं ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप आरजीबी एलईडी यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि मैंने यूज़ करके आपको दिखाई थी जिस 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 100 हो गई, 2000 हो गई, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कोई भी जो है रेजिस्टेंस लगाएं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है धारा को कम करने के लिए, यानी कि धारा के मान को कम करने के लिए ठीक है ना। तो हमें जितनी हमें वोल्टेज सही रहती है हम उतनी उसको प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा सर्किट पूरा हो जाता है और काम हो जाने लग जाता है, और इसलिए हम रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं सिंपली। तो अगर ऐसा हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम एक एलईडी यूज़ नहीं कर रहे वहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा एलईडी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पावर ज़्यादा चाहिएगी, कंज्यूम वो कर लेगा पावर, तो वहाँ पर फिर हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी भी रेजिस्टेंस की। अब मैं इस अडेप्टर से आपको चालू करके दिखा देता हूँ, यानी कि चलाकर दिखा देता हूँ अपनी एलईडीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें जो भी 5 वोल्ट का डायोड हो उसे निकाल दो और वहाँ पर 12 वोल्ट का डायोड लगा दो, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो ये आपका जो सर्किट बन जाएगा 12 वोल्ट का आउटपुट आपको देने लग जाएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदे हैं, इससे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप 12 वोल्ट की बैटरी को आराम से चार्ज कर लेते हैं घर पर ही, और इसका चार्जर भी बन जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बड़ा चार्जर बनाना है जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा कर बनाते हैं,
तो भैया उसका एक अलग हिसाब होता है, वो फिर अपना अलग मैटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैंने एक केबल ले ली है जो कि हम एसी में लगाने वाले हैं सिंपली। और अब क्या करना है आपको, जो अडेप्टर है आपका उसमें इसे लगा देना है। तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस तरफ से लगाना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम मत लीजिएगा, जिधर की तरफ एलईडी हो, अब मैं सिंपली बता देता हूँ, तो जिधर की तरफ ट्रांसफार्मर हो उधर की तरफ तो डीसी है, और जिधर की तरफ ट्रांसफार्मर नहीं है उधर की तरफ से आपको एसी देनी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एसी वाले कनेक्शन है, यानी कि आपको 240 वोल्ट पर लगाना है, ठीक है। और जिधर ट्रांसफार्मर है उधर की तरफ डीसी है, यानी कि 5 वोल्ट आपको आउट मिल जाएगा, 12 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो कि अगर आप डायोड जेनर डायोड को चेंज कर देते हैं 12 वोल्ट का लगा देते हैं तो 12 वोल्ट का आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अगर आपको भविष्य में कभी चाहिए हो 12 वोल्ट आपको प्रोड्यूस करना हो, और मतलब जैसे इमरजेंसी पड़ जाती है तब की, यहाँ पर आप एक जनरेटर डायोड जरूर रखें। उससे क्या है आपको दो काम हो जाएंगे, आप चेंज कर लेंगे और तुरंत आपका जो है एक वही सर्किट आपको 12 वोल्ट प्रोड्यूस करा के दे देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसमें, और मुझे लगता है अच्छी बात है ही। तो अब देखिए यहाँ पर हम डीसी का कनेक्शन करने वाले हैं। डीसी का कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर हम आपको एलईडी का कनेक्शन कर, जो एलईडी है हमारी एलईडी को चलाकर दिखा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो हम इसके कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको एलईडी भी चलाकर दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे लेते हैं सीधा बोर्ड में लगा देते हैं वो एसी में, और जैसे ही हम एसी में लगाएंगे यहाँ पर एक हमारी एलईडी इसमें जो रेड कलर की है वो तुरंत चालू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम भैया आपको एलईडी भी चेक कर दिखा देते हैं कि भैया हमारी एलईडी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये भी एक मेन पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है हमारा एलईडी, यहाँ पर मैंने एलईडी में पहले से एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि 1K का है, जो मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ इसी वीडियो में, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन में ग्रीन है और बहुत अच्छे तरीके से जल रही है, यानी कि पर्याप्त इसको जो है इसकी पावर मिल रही है जो इसे चाहिए थी, और उसी हिसाब से ये चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया रेजिस्टेंस कि एलईडी फ्यूज़ ना हो, क्योंकि इस चार्जर पर मुझे कतई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर देता है। इस अगर आप ऐसे कमर्शियल यूज़ में चार्जर, जैसे ऐसा है ना ये वाला जो चार्जर है ना वो बाकी में ख़राब चार्जर होता है, लोकल लो क्वालिटी का चार्जर होता है, तो इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं है, फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप इसकी झाला बना बना कर लगा लें घर में। और मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इस चार्जर से अपने किसी भी फ़ोन को चार्ज करें, ठीक करना ही है, तो अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर को यूज़ करें, उससे आपको अपने फ़ोन के चार्जर को यूज़ करना चाहिए। एमआई का हो गया या किसी भी सैमसंग का हो जाता है बढ़िया कंपनी का, इस चार्जर से आप इस वाली एलईडी को भी चला सकते हैं जो कि वाइट वाली एलईडी है, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जलने वाले, डायरेक्ट 220 वोल्ट से जलेगी अगर इसमें आपने जेनर डायोड चेंज नहीं किया है, 5 वोल्ट का ही लगा हुआ है तो, ठीक है ना। इससे ऊपर आप मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये एलईडी ख़राब हो जाएगी, खुद 2 वोल्ट की रहती है तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना लाइट, ये जो मेरी ब्लू लाइट है ये 12 वोल्ट के अडैप्टर से जल रही है, यानी कि वहाँ पर जनरेटर डायोड चेंज कर दिया है और इसी सर्किट से जल रही है, यानी कि ऐसा ही एक अडैप्टर उसमें लगा हुआ है, और उस अडैप्टर में बस फ़र्क ये है कि उसमें जनरेटर डायोड 12 वोल्ट का लगा हुआ है, तो उस वजह से वो हमारी एलईडी की स्ट्रिप को 12 वोल्ट प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटे से एक रेजिस्टेंस जो आपको डायोड होता है उसकी वजह से आप 12 वोल्ट ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और आपके लिए। तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, और मैं आपको एक बैटरी चार्जर की वीडियो बनाकर देने वाला था, सो वो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी फिर से अगेन। हो सकता है मैं इस वीडियो को तुरंत बाद दे दूँ, मैं बोलता हूँ तुरंत बाद पर आपको दे नहीं पाता, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज के साथ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स। कुछ समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।